नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24/7। आपके साथ मैं गरिमा मकरानी। आइए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। 34 कांग्रेसियों पर सांवेर पुलिस की कार्रवाई के बाद बड़ी संख्या में कांग्रेसी सांवेर थाने गिरफ्तारी देने पहुंचे, जहां सभी कांग्रेसियों को हाथों जमानत पर रिहा किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने इस कार्रवाई को दृष्टापूर्व की गई कार्रवाई बताया और पुलिस पर बीजेपी से सांठगांठ कर कांग्रेसियों को परेशान करने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने कई बुजुर्ग नेताओं को पुलिस के सामने किया और कहा कि ये लोग किसी रैली में नहीं थे, फिर इन पर कार्रवाई क्यों की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता थाने पहुंचे, जहां पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, विधायक संजय शुक्ला, विशाल पटेल, प्रेमचंद गुड्डू, सदाशिव यादव सहित कई लोग रहे। वहीं एसडीओपी पंकज दीक्षित ने बताया कि कांग्रेस के नेताओं द्वारा आज आने पर बड़ी संख्या में पहुंचकर पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी। आपको बताना चाहेंगे कि सांवेर विधानसभा क्षेत्र में आगामी समय में उपचुनाव होने को है, जिसको लेकर कांग्रेस द्वारा 1 सितंबर को नगर के अंकित परिसर कार्यालय का शुभारंभ का आयोजन रखा गया था, किंतु पूर्व राष्ट्रपति के निधन होने पर श्रद्धांजलि सभा में आयोजन को परिवर्तित कर दिया गया, जिसके बाद सांवेर पुलिस ने कोरोना काल के नियमों का हवाला देकर करीब 34 लोगों पर विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की थी, जिसके बाद गुरुवार को कांग्रेसियों ने थाने पर पहुंचकर गिरफ्तारी की। हालांकि इस पूरे मामले में पूर्व सांसद और सांवेर के संभावित प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े किए थे। अब कांग्रेस भी भाजपाइयों के विभिन्न आयोजन सीएम के आगमन के फुटेज एकत्रित करने में जुट गई है और बड़ी कार्रवाई की तैयारी में लगी। जिन लोगों ने इसको तुलसीराम सिलावट जी को मदद की, उन पर ये मुकदमे लगा रहे हैं, तो आपको कैसे आपके अपने हो जाएंगे? बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के वोट देने वाले सब हम परिवार के लोग हैं। विचारधारा अपनी हो सकती है, अपनी अपनी हो सकती है, पर एक व्यक्ति, जब मैं ये कांग्रेस में थे और मैं किसी की मदद करता था, बीजेपी के कार्यकर्ता की भी, कहीं दोस्ती यारी में, कोई रिश्तेदारी में, तो ये आपत्ति लेते थे तुलसीराम सिलावट। जब माइक आएगा, भाषण होंगे, तब नाम लेके बताऊंगा कि किस पे ये आपत्तियाँ ली थी इसने। तो मेरा आपसे अनुरोध है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, ये लड़ाई कांग्रेस बीजेपी की है ही नहीं, ये लड़ाई है लोकतंत्र की। विधायक बिकने लगा, बीजेपी का विधायक बिक जाएगा जब आपके मन पे क्या बीतेगी? तो जब विधायक बिकेगा तो लोकतंत्र जिंदा कैसे रहेगा और लोग वोट से डरेंगे कैसे? अगर आज तुलसीराम सिलावट को बिकने के बाद वोट मिल सकता है तो फिर सब बिकने लगेंगे। तो ये कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, ये बात है लोकतंत्र की, के सम्मान की और आपके वोट की कीमत की। तो हम सबको मिलकर, सांवेर की जनता मुझे पता है 20,000 वोट से हराओगी कि नहीं हराओगी? तुलसीराम सिलावट को 20,000 वोटों से घर भेजेंगे नहीं भेजेंगे? ये कोई जीतू पटवारी की बात नहीं है, मैं कई गांव घूम लिए, विशाल पटेल घूम लिए, संजय शुक्ला, प्रेमचंद गुड्डू खुद गए, अंतर सिंह दरबार गए, ये हमारे जिला अध्यक्ष जी, सब परिवार के लोग कार्यकर्ताओं के साथ घूमे। बीजेपी के लोग भी मिलते हैं तो कहता है, भैया तुम चिंता मत करो, एक जसोत इन्हें गड़बड़ करी उसोच घर भेजांगा, तो टेंशन लो जो मत। आदरणीय विशाल पटेल जी, अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए खबरें 24/7 के साथ। नमस्कार।